क्लैट कंसोर्शियम ने लॉन्च करे हैं दो नए सैंपल पेपर क्लैट पीजी एग्जाम के लिए। और अगर ये सैंपल पेपर्स आपको देख के थोड़ा सा डर लग रहा है कि सर क्या मुझे अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, कैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों की टीम ने इसके ऊपर काफी डीप रिसर्च करी दोनों सैंपल पेपर्स पे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने नेक्स्ट 30 से लेकर 40 डेज में क्लैट पीजी के लिए, और जो लास्ट 3 ईयर्स के पैटर्न है उनसे क्या कोरिलेशन है इन सैंपल पेपर्स का, और हमें क्या मैसेज लेना चाहिए कंसोर्शियम की तरफ से। यहां पे जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं राइट आउट ऑफ द गेट, वो ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी में जरा सा भी थोड़ा भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो। बस एक जो चेंज आपको करना है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये आप जान लो। और कैसे ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन हम लोग अब शुरू करते हैं सैंपल पेपर वन को डिस्कस करते हुए। तो देखिए जो आपका सैंपल पेपर वन है ना, उसके अंदर जो हमें प्राइमरी फेसाई चीज समझ में आती है वो ये है कि यहां के अंदर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे प्ले कर रहा है। आप चाहे बात करो हेबियस कॉर्पस की, ट्रांसजेंडर राइट्स, राइट टू एजुकेशन, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखावाला केस, डेथ पेनल्टी की बात करो, चाहे आप बात करो बबीता पुनिया की, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करो, आईटी एक्ट आपका, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर पार्ट 3 के अंदर जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं पुराने वाले जो आपके आप पढ़ते हैं हम लोग अपने कॉलेज में, वो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंसोर्शियम हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो आपकी गवर्नर और प्रेसिडेंट की होती है, उस पर डीसी वाधवा केस, वो आपका आपने जो आपके प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर होती है उसमें आपने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है, तो उसमें भी कोई मेजर चेंज यहाँ पे कंसोर्शियम की तरफ से नहीं किया गया है। तो यहाँ पे भी हमें ये समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर कम से कम 12 में से आपके 8 पैराग्राफ थे। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे ज्यूरिसप्रूडेंस की, तो ज्यूरिसप्रूडेंस की आप बात करो 1, 2 और 3 पैराग्राफ दिए गए, और ये जो तीनों पैराग्राफ है ये आपके कंसेप्चुअल पैराग्राफ है, और जो क्वेश्चंस आए हैं वो पैराग्राफ के अंदर से आप इन्फर करके यहाँ पे आंसर कर सकते हो, तो उसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं करा गया है क्लैट की तरफ से कि आपको ज्यूरिसप्रूडेंस को कैसे अपना प्रिपेयर करना है, जैसे कर रहे वैसे ही करो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया यहाँ पे आर्बिट्रेशन के अंदर से, वो भी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का, ये भी एक लैंडमार्क केस है। इसके अंदर भी आर्बिट्रेशन में भी आपको बहुत ज़रा अपना चेंज नहीं करना है, जो आपने रिसेंट केसेस पढ़े, जो आपने लैंडमार्क केसेस पढ़े केवल उन्हीं तक स्टिक करो, उसके अलावा कोई भी आपको चेंज नहीं लाना है। बस आपको ये समझ के चलना है पहले सैंपल पेपर के अंदर से कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जो कि हम लोग ने मेंशन भी करें अपने स्ट्रेटजी गाइड के अंदर, वो टॉपिक्स आप कॉन्स्टिट्यूशन के देख लो, आपका काम आराम से यहाँ पर हो जाएगा। एक जो चीज यहाँ पे और नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये जो सैंपल पेपर है इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, विच मीन्स कि हम लोग को इस सैंपल पेपर को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेके चलना है, वेरी बिग पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट 3 ईयर्स है उसमें हमेशा इंटरनेशनल लॉ कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो अकॉर्डिंगली हमें उसकी जो पढ़ाई है उसको हम लोग छोड़ने की अगर गलती करेंगे तो हम लोग अपने ही पैर पे यहाँ पे कुल्हाड़ी मारेंगे। दैट इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग जो कि आपको यहाँ पे समझनी है। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे सैंपल पेपर के बारे में, तो दूसरे सैंपल पेपर के अंदर आपको जो दिखाई पड़ेगा पैटर्न वो ये है कि 2017 से लेके 2022 के बीच में जितने लैंडमार्क केसेस आपके आए थे ना, जो आपके 50-60 लैंडमार्क केसेस हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ने, ये यहाँ पे कंसोर्शियम आपको मैसेज दे रहा है। चाहे आप बात करो पृथ्वीराज चौहान की, रोमिला थापड़ की, जोसफ शाइन की, तहसीन पूनावाला, शायरा बानो, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अनुराधा भसीन, ये सारे के आपके लैंडमार्क केसेस हैं। मेजॉरिटी इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे हैं, एक आधा आपके इधर उधर के सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं, लेकिन जो आपके मेजॉरिटी केसेस हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस यहाँ पे कंसोर्शियम ने रखा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ज्यूरिसप्रूडेंस की सैंपल पेपर के अंदर, आपका 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आपके ज्यूरिसप्रूडेंस के सीधे सीधे हैं, और इसके अंदर भी जैसे मैंने पिछले वाले पेपर में भी आपको बताया सैंपल पेपर में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, पैरा इन्फर्ड क्वेश्चंस थे, तो आपको जो पढ़ाई आप ज्यूरिसप्रूडेंस में कर रहे हो वैसे ही अपनी पढ़ाई आप करते रहो, बस उसकी इंपॉर्टेंस जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, दैट इज ऑल इट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हो गए ना, कंपनी लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके अंदर जो इन्होंने पैराग्राफ दिया है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक सिंपल स्टेट्यूट जो होता है उस पर स्टिक नहीं करा है, इन्होंने मल्टीपल स्टेट्यूट्स में जाके पूछा, जैसे कंपनी लॉ में मल्टीपल स्टेट्यूट्स में गए,
आपके टीपीए के अंदर ये लोग पावर ऑफ अटॉर्नी पार्ट परफॉर्मेंस में भी गए, फिर मॉर्गेज में भी गए, फोरक्लोजर में गए, तो मैं इसके लिए सिंपली आपको ये बोलूंगा कि कंपनी लॉ में और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अब अपना दिमाग खराब करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज दी सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी वास्ट। आपको बस जो आपकी पढ़ाई अब तक आप करते आ रहे हो कंपनी लॉ में, चाहे आप बात करो बाकी जितने कमर्शियल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही करते रहो, केवल आपके रीसेंट और जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं उन पे आप स्टिक करो, आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग फिर आते हैं लास्ट थ्री ईयर के पैटर्न पे, तो देखिए लास्ट का जो थ्री ईयर का आपका पैटर्न है उसमें आपके 25 से लेकर 30% क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, बाकी 10% आपका ये तीन सब्जेक्ट आपके ज्यूरिसप्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली ले जाते हैं, फिर आपका 10-15% आपका क्रिमिनल लॉ का जाता है और आपका 10% फाइनली जाता है इंटरनेशनल लॉ का। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनको कि आप छोड़ नहीं सकते हो अपनी पढ़ाई के अंदर में। अब इन सैंपल पेपर्स के अंदर से आपने देखा इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पूरी तरीके से गायब था, ठीक है, क्रिमिनल लॉ भी और आपका फैमिली लॉ भी थोड़ा 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 इंक्लूडेड था, तो उनको उन्होंने बताया। अब कंसोर्शियम के साथ एक जो चीज़ है वो ये है कि जैसे 2020 में भी इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज करे थे, लेकिन जो सैंपल पेपर्स आए थे और जब फाइनल पेपर 2020 में आया दोनों के अंदर डिफरेंस था, देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वो सैंपल पेपर वॉज एंड व्हाट द फाइनल पेपर वॉज। तो आपको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट तो इन पेपर्स को लेकर चलना पड़ेगा, आप अपनी जो तैयारी है लास्ट थ्री ईयर के पैटर्न के हिसाब से वो और ये जो सैंपल पेपर्स हैं वो उनको कंबाइन करके जब चलोगे तो ही आप एक कंप्लीट पिक्चर पाते हो कि कंसोर्शियम आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। इसके अलावा जो एक और चीज नोट करने वाली यह है कि इन्होंने क्या करा है, सैंपल पेपर के अंदर 2020 जो है आपका उसके पैटर्न को कहीं ना कहीं रिपीट करा है, सो इट इज नथिंग जो कि बहुत ज्यादा अलग है पुराने वाले पैटर्न से, इट इज जस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्होंने फोकस दिया है और ये जो चीजें हैं ये आप पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ते आ रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंडमार्क केसेस पे थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने एम्फेसिस दे दिया है और जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर से आपके अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, सो हमें यहाँ पे एक कंबाइंड अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। फिर मैं अगर बात करता हूँ फाइनल कि हमारा सारांश क्या होना चाहिए, कैसे भाई हमको 30 से 40 दिन में प्रिपेयर करना है, तो आप ये समझ के चलो पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नेक्स्ट 30 से लेकर 40 डेज में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 5 से लेकर 6 दिन केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को दो और इसके अंदर आप सीधे सीधे जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लैंडमार्क केसेस हैं पार्ट 3 और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उनको यार जरूर कायदे से पढ़ना, बिकॉज उसके आने का अब अच्छा चांस यहाँ पे हो गया है अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने आपके लैंडमार्क केसेस आए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं और जो बाकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उनको आप 2017 से लेकर 2022 के बीच के देख लो, ये आपके 50 से लेकर 60 केसेस हैं, ठीक है, इनको आप कायदे से देख लो। इसकी लिस्ट हम लोग ने बल्कि प्रोवाइड भी करा, जो स्टडी मटेरियल इन केसेस का है वो हमारे कोर्स के अंदर प्रोवाइडेड है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपका अगला पोर्शन है ना पार्ट थ्री वाला और जो आपके अदर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स और लैंडमार्क केसेस हैं उसको लेकर भी हम लोग एक अपना नया मॉड्यूल कोर्स के अंदर जो हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रहा है उसके अंदर ऐड करेंगे, तो अगर आपको वहाँ पर भी हेल्प चाहिए तो आप आ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके कंटेम्प्रेरी केसेस आप पढ़ते आ रहे हो 2020 से लेकर 2022 के उनको आपको प्रॉपरली स्टडी करना है, बिकॉज देखिए चीज़ क्या है कि जब 2020 में भी क्वेश्चन पेपर आया उसके अंदर ये लोग अपना 2020 के हिसाब से Y-1 और Y-2 गए, 2018-2017 तक गए, वहाँ तक इन्होंने पूछा 2020 में, 21 में भी सेम चीज़ थी, 22 में भी सेम चीज़ की है, तो 23 के अंदर भी आपको 20 से लेकर 22 तक के केसेस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीसेंट वाले, बिकॉज अगर आप उनको नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं मिस आउट करोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट होता है ना, चाहे आप बात करो कॉन्ट्रैक्ट की, फैमिली की, क्रिमिनल लॉ की, इसमें से जितने आपके रीसेंट जो केसेस आए ना उनको आपको अच्छे से देख के ज़रूरत है जाने की, बिना उसके आपका क्लैट पीजी का पेपर नहीं आसानी से होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एज आई सेड 5 से लेकर 6 दिन आप प्लीज़ दे दो, फिर ज्यूरिसप्रूडेंस पे जब आप आते हो तो ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर मैं कहूँगा 3 से 4 दिन अपना आप इसको दे दो, प्रॉपरली जाओ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बैठाओ और मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो, बिकॉज ज्यूरिसप्रूडेंस में मॉक पेपर्स लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से अब पैराग्राफ के अंदर से जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें उसको लेकर चलना है। फिर आपका इंटरनेशनल लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम, इसको भी आप कम से कम 2 से 3 दिन दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को भी आप जाइए 2 दिन दीजिए, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी सीआरपीसी इंडिविजुअली इन सब्जेक्ट्स को आप मैं कहूँगा 2 और 2 या फिर अपने जो भी आपका जितना आपको आता है उसके हिसाब से
टाइम डिवाइड करके इसको प्रिपेयर करिए। और फाइनली आपका फैमिली लॉ, इसको भी आपको कम से कम आप मान के चलो 2 दिन आपको देने हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ 30 से लेकर 40 डेज में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो आप जरूर बताना कमेंट्स में, मैं आपके लिए प्रिपेयर भी करूँगा वो वीडियो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर हम लोग बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट्स की। तो माइनर सब्जेक्ट्स में अगर आप बात करते हो, पहले क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स UAPA, NDPS, POSCO, इसके अंदर जो जो आपके रिसेंट के अंदर केसेस आए हैं उसके अंदर जो जो स्टेट्यूट कवर है उसको आप कायदे से कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। फिर आप बात करते हो आर्बिट्रेशन की, बैंकरप्सी की, उसके अंदर भी जो लैंडमार्क केसेस आए हैं उनको आप कर लो, आपका काम हो जाना चाहिए। और कमर्शियल लॉ के अंदर भी कंपनी हो गया, टैक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके अंदर भी केवल रिसेंट में जो जो आपका आया केस, जो जो स्टेट्यूट कवर था उतना कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस एग्जाम। सैंपल पेपर के अंदर जो जो चीज़ें आए हैं उससे मैं ये कहूँगा कि आपका जो काम है ना वो थोड़ा सा कंसोर्शियम ने आसानी करा है, बिकॉज उन्होंने आपके पूरे पेपर को एक दिशा दिखा दी। सो आई रियली अप्रिशिएट द स्टेप जो कि यहाँ पे कंसोर्शियम ने लिया, बच्चों को थोड़ा सा बताया कि हाँ आपको जो अपनी पढ़ाई करनी है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर थोड़ा सा हैवी फोकस रखते हुए करनी है, आपको कंटेम्प्रेरी को भी थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है लास्ट 3 ईयर के हिसाब से, बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है। और ये जो पूरी आपकी अप्रोच है ये आपको 100% मैं बता रहा हूँ क्लैट पीजी के अंदर मिरर होते हुए दिखाई पड़ेगी। आपको जो पेपर आएगा क्लैट पीजी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से आने वाला है, दैट इज आई थिंक इज द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन टेक एट दिस टाइम। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ कि मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ, तो देखिए जो हमारा लास्ट इन प्रिपरेशन कोर्स है इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 35 मॉक पेपर्स, और इसके आगे भी जो भी हमारे होने वाले मॉक पेपर्स हैं उसके अंदर जो सैम्पल पेपर है उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने मॉक पेपर्स को। तो जो आपको बेस्ट पॉसिबल मॉक पेपर हो सकता है वो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने कहा, हम लोग पार्ट 3 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है और जो आपके बाकी एंसिलरी उसके जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उससे जुड़ा हुआ हम लोग एक वहाँ पे एक मॉड्यूल हम लोग ला रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हम लोग यहाँ पर जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आपके आए हैं और जो आपकी बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको जुड़ा हुआ भी हम लोग स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका ऑल ओवर जो प्रिपरेशन है क्लैट पीजी का वो अच्छे से हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा जिनको कि पता रहे कि भाई संभव सर भी हैं यहाँ पे जो कि आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं क्लैट पीजी के। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।